फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन। आज मैं आपके लिए अलीगढ़ की बहुत ही फेमस डिश लेके आई हूँ, बरूले, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बरूले बनाना। बरूले बनाने के लिए हमें चाहिए 12 उबले हुए आलू छोटे आकार के, हमें चाहिए 4 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, ना चाहो तो ना डालो। हरी चटनी जिससे हम बरूलों को सर्व करेंगे, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच हमने बेसन लिया है। बरूलों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और गैस ऑन कर देंगे और इसमें हम ऑयल डाल देते हैं, इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। फिर हम अपना बरूले का बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हम इन उबले आलुओं को डाल देंगे, बेसन भी डाल देते हैं, बेसन को हमने पहले से ही छान लिया है, कॉर्नफ्लोर भी डाल देते हैं, रेड फूड कलर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। देखिए बरूले का हमने ये बेस अच्छे से बना लिया है, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। बरूलों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और कढ़ाई में बरूलों को उतने ही डालें जिससे वो अच्छे से फ्राई हो सके। इन्हें हम पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बरूलों को आप गोल्डन ब्राउन होने तक और अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बरूले हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। बरूले हमारे तैयार हैं, इन्हें हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।